श्री अरुण पुरी जी और मेरे मीडिया के मित्रों एवं अन्य देवियों एवं सज्जनों मुझे जानकारी नहीं है कि अन्य में कौन कौन लोग हैं जहाँ तक हिंदी पत्रकारिता जगत का प्रश्न है विशेष रूप से हिंदी टेलीविजन न्यूज चैनल्स की दुनिया में आज तक का एक अपना विशेष स्थान है और स्थान ही नहीं है बल्कि मैं मानता हूं कि उसका महत्व भी है और आज तक का अपना एक विशेष स्थान और महत्व है वहीं पर खबरों के साथ साथ विचारों की भी दुनिया में आज तक का एक अपना अच्छा खासा प्रभाव है अब जैसे जब भी मैं अपनी प्लेन से कहीं पर यात्रा करता हूं तो इंडिया टुडे यदि मुझे मिल जाती है तो उसमें अरुण पुरी जी का एडिटोरियल मैं निश्चित रूप से मैं पढ़ता हूं दूसरी आर्टिकल भी पढ़ता हूं लेकिन अरुण पुरी जी की एडिटोरियल को प्रायः मैं नहीं छोड़ता हूँ जहां तक इस एजेंडा आज तक के कार्यक्रम का प्रश्न है जब सुप्रिय प्रसाद जी इस कार्यक्रम के संबंध में मुझे मिले थे तो बहुत सहज में ही अपनी सहमति मैंने उन्हें दे दी और इस मंच के माध्यम से मैं देशवासियों को बहुत ही संक्षेप में यह बतलाना चाहूँगा और संक्षेप में बतलाने की बात इसलिए कह रहा हूं क्या मैं बहुत सारे आंकड़े दूंगा लंबी चौड़ी बात करूंगा तो डेढ़ घंटे दो घंटे का यह विषय है लेकिन आधे घंटे में ही मुझे समाप्त करना है यह बताना चाहता हूं कि आज जब भारत अपने आज़ादी के अमृतकाल के दौर से गुजर रहा है तो हम नए भारत के निर्माण तक कहां पहुंचे हैं और आगे का हमारा संकल्प क्या है मित्रों आज जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत तमाम अभावों के बावजूद विश्व की छठवीं सतवीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता था भारत को आजादी मिलने के समय उसके बाद भी कई देश आजाद हुए पर वहां नए युग की शुरुआत हुई और वे सभी अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से काफी पीछे थे मैं चीन का उदाहरण यहां आपके सामने रखना चाहूंगा जब 1949 में चीन में क्रांति हुई और नई व्यवस्था बनी तो उनका जी भारत से कम था भारत और चीन 1980 तक साथ साथ कदम ताल करते रहे और चीन में साम्यवादी सोच हावी थी तो भारत में समाजवादी सोच उस समय हावी थी इस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था छठवीं सतवीं पावदान तो छोड़िए दुनिया की टॉप टेन अर्थव्यवस्थाओं की गिनती से भी बाहर हो गई 80 के दशक में चीन में चीन ने करवट ली और कई बड़े आर्थिक सुधारों की चीन ने शुरुआत की और 1991 में हमारे यहाँ भी आर्थिक सुधारों का दौर प्रारंभ हुआ मगर चीन ने कम समय में इतनी लंबी छलांग लगाई कि भारत ही नहीं अमेरिका को छोड़कर वह दुनिया के सभी देशों को विकास की रफ्तार में उसने पीछे छोड़ दिया दुनिया की टॉप टेन अर्थव्यवस्थाओं की गिनती में भारत की वापसी इक्कीसवीं शताब्दी में होती है मगर भारत के सामर्थ्य और जन आकांक्षाओं के अनुरूप जिस तरह का विकास भारत में होना चाहिए था वह नहीं हो रहा था फिर साल 2014 का समय आता है और भारत की जनता बड़े भरोसे और विश्वास के साथ श्री नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाती है जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो देश दुनिया की नवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और हमारी इकॉनमी की साइज हुआ करती थी वह करीब दो ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी और आज मोदी जी को साढ़े आठ साल का समय बीत चुका है और भारत की अर्थव्यवस्था साढ़े तीन ट्रिलियन डॉलर के आकार के साथ दुनिया के पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है और मैं कह सकता हूं कि आज हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकॉनमी है भारत की यह सब यह भी हम तभी ले ले गौरव का विषय है याद कीजिए ट्वेंटी थर्टीन का समय जब विश्व प्रसिद्ध प्रसिद्ध इन्वेस्टमेंट फॉर्म मोर्गन स्टेनले ने एक शब्द की रचना की थी और उन्होंने फ्रेजाइल फाइव यानी दुनिया के वे पांच देश जिनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा रही थी और इस फ्रेजाइल फाइव में जो देश थे उनमें तुर्की था ब्राजील था साउथ अफ्रीका इंडोनेशिया और हमारा भारत भी उसमें शामिल था आज नौ साल के बाद मैं कह सकता हूं कि हमारे गौरव का विषय है कि भारत उस फ्रेज़ाइल की कैटेगरी से बाहर होकर फेबुलस फाइव की कैटेगरी में आकर खड़ा हो गया <laughs> और मित्रों पिछले दिनों उसी मार्गन स्टैनले ने के मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन अहिया आपने नाम सुना होगा फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने एक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक भी दिया है और उस लेख में यह कहा गया है कि हमारे आकलन और अनुमान के मुताबिक और अमेरिका और चाइना के बाद विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा इतना ही नहीं उनका मानना है कि भारत का जीडीपी अगले दस सालों में लगभग साढ़े तीन ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर साढ़े आठ ट्रिलियन डॉलर यानी दो गुणों से भी अधिक हो जाएगा मित्रों इससे साफ होता है कि आज भारत 2013, 14 की निराशा और अंधकार के माहौल को बहुत पीछे छोड़कर पूरी दुनिया के लिए एक आशा और विश्वास का वह केंद्र बन गया है यानी सिर्फ आठ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दोगुनी हो गई है और चार पायदान की छलांग लगाकर हम टॉप फाइव इकोनॉमीज में आकर खड़े हो गए हैं पिछले साढ़े आठ सालों में हमारी सरकार ने क्या क्या किया है उसके बारे में आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं इसलिए उन बातों को यहाँ बहुत दोहराने का मतलब नहीं है मगर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि दुनिया भर के लोगों का भारत के प्रति विश्वास का आधार का क्या है और हमारे देश का सामर्थ्य क्या है इन दो बातों की मैं चर्चा करूंगा। मित्रों पिछले साढ़े आठ सालों में मोदी जी के नेतृत्व में कई प्रोसीजरल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं जिसने भारत की विकास की, की राह में एक बड़ी छलांग लगाने को भारत को तैयार किया है इनमें सबसे बड़ा है भारत के एक बड़े डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण सबसे बड़ा रिफॉर्म मैं इसे मानता हूं और मुझे याद है कि जब शुरुआती दिनों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत देश के हर गरीब के का बैंक खाता खोला जा रहा था तो लगता था कि इससे गरीबों को लाभ क्या होगा मुझे याद है कि जिस समय इस संबंध में मीटिंग उन्होंने ऑफिसर्स की बुलाई थी प्रधानमंत्री जी ने मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था सच्चाई है कि मैं भी नहीं समझ पाया कि यह तुरंत इतनी जल्दबाजी में खाते खोलने का लाभ क्या होने वाला है तो प्रधानमंत्री जी ने बाद में बतलाया कि यह अकाउंट्स जो हम गरीबों का खोलना चाहते हैं उससे क्या लाभ होगा मगर 46 करोड़ खाते खोले गए और हर गरीब का बैंक में खाता खोला गया बैंक खाते को आधार और मोबाइल से भी लिंक किया गया और एक ऐसी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बन बन गई जिससे गरीबों के साथ उनकी सब्सिडी और राहत में होने वाला भ्रष्टाचार वह वा समाप्त हो गया और पैसे की जो बचत हुई वह तो अलग से हुई है जनधन आधार और मोबाइल यानी जैम इस त्रिमूर्ति ने देश में डिजिटल इकोनॉमी को एक ऐसी मजबूती दी है कि दुनिया आज भारत के ऊपर आश्चर्य कर रही है आज भारत को डिजिटाइजेशन की रफ्तार 30 फीसदी से भारत की डिजिटाइजेशन की रफ्तार 30 फीसदी से अधिक है जो बहुत ही विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे भी ये यह कहीं अधिक है और मैं ये कहूं कि चीन से चार गुना डिजिटल ट्रांजेक्शन यदि कहीं हो रहा है तो हमारे देश भारत में हो रहा है तो यह कहना भी अच्छी अच्छयपूर्ण नहीं होगा और इस जैम की रणनीति का परिणाम यह हुआ है कि जो देश का डिलीवरी मैकेनिज्म है उसमें बहुत सुधार हुआ है और साथ ही साथ सुधार के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी आई है और यह उपलब्धि हमारी सरकार ने देश की जीडीपी में सब्सिडी का परसेंटेज बढ़ाए बिना यह हासिल की है सबसे बड़ी बात यह है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2000 में भी टोटल सब्सिडी जीडीपी का 2 परसेंट थी और 2022 में भी यह 2 परसेंट के आसपास ही है मगर अंतर इस बात का है कि हमारा डिलीवरी सिस्टम यह पारदर्शी है और कारगर है जिसकी वजह से सब्सिडी का वास्तविक लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंच पा रहा है और मैं एक बात की चर्चा करना चाहूंगा किसी प्रधानमंत्री की आलोचना करने का मेरा उद्देश्य नहीं है और आज तक मैंने किसी प्रधानमंत्री की कभी आलोचना की भी नहीं है लेकिन राजीव गांधी जी ने ईमानदारी से एक बात कही थी मैं क्या करूं मैं ऊपर से सौ पैसा भेजता हूं लेकिन बा मुश्किल लोगों तक चौदह पैसा ये पहुंच पाता है इस क्या किया जाए हमारा कहना है कि करप्शन केवल भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता है करप्शन को यदि मिनिमाइज करना है मैं रूट आउट करने की बात नहीं कर रहा हूं रूट आउट करने का दावा है, बहुत बड़ा दावा होगा लेकिन करप्शन को यदि मिनिमाइज किया जा सकता है तो सिस्टम में बदलाव लाकर ही करप्शन को मिनिमाइज किया जा सकता है और यह प्रत्यक्ष समस्त भारतवासियों को यह देखने को मिल रहा है बैंक में खाता खुल जाने से भारत के गरीबों को हर योजना हर सब्सिडी का लाभ सीधे उनके खाते में जाता है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की यह योजना गरीबों के लिए मैं कह सकता हूं यह बरदान साबित हुई है कभी कैश लेन देन के ऊपर पूरी तरह निर्भर रहने वाला यह भारत अब सिर्फ एक महीने में सिक्स बिलियन डॉलर ट्रांजेक्शन के माध्यम से टेन ट्रिलियन रुपयों का लेन देन इस समय कर रहा है और एक गैर सरकारी रिपोर्ट आपने उसका नाम सुना होगा बी सी जी फोन पे उसने जो कहा है कि 2026 में भारत में 65 परसेंट लेन देन डिजिटल होंगे और इसका मूल्य करीब 10 ट्रिलियन डॉलर होगा 10 ट्रिलियन रुपए की बात नहीं कर रहा हूं 10 ट्रिलियन डॉलर होगा मित्रों डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से हमारे देश में विगत आठ साढ़े आठ वर्षों में काम हुआ है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 के पहले यहां देश में बा मुश्किल प्रतिदिन सात आठ किलोमीटर सड़कें बनती थी आज हमारे भारत में प्रतिदिन 40 किलोमीटर यानी चालीस किलोमीटर सड़कों का ही निर्माण हो रहा है मिशन शक्ति के अंतर्गत केंद्र सरकार ने डेढ़ ट्रिलियन डॉलर की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन तैयार करने का भी निर्णय लिया है और इसके अंतर्गत एक ऐसा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान बनाया गया है जो देश में हाईवेज रेलवेज वाटरवेज एयरपोर्ट मेट्रो रोड मेट्रो रेल बनाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है मित्रों याद दिलाना चाहता हूं कि एक समय था जब केवल अमीर आदमी ही हवाई यात्रा कर सकता था आज उड़ान स्कीम के तहत हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी आज हवाई यात्रा कर सकता है क्योंकि इस योजना में हवाई यात्रा का भाड़ा पांच रुपया प्रति किलोमीटर की दर पर तय होता है पहले मेट्रो केवल कलकत्ता दिल्ली में थी आज देश के छोटे महानगरों में मेट्रो चल रही है या उस पर काम चल रहा है मैं यहाँ यह भी चर्चा करना चाहूँगा पहले 2014 के पहले केवल 70 एयरपोर्ट्स थे लेकिन आज उनका नंबर बढ़कर 141 तक पहुंच गया है उड़ान स्कीम का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें और आप लोगों को जानकर यह खुशी होगी कि 2022 से 2024 तक देश में केवल 242 किलोमीटर मेट्रो रेल बनाई गई थी जबकि 2017 से अब तक 988 किलोमीटर मेट्रो ट्रेन का यह निर्माण हुआ है अब भारत में कुल मेट्रो रेल की लंबाई जापान से भी ज़्यादा हो गई है और आज से कुछ साल पहले लोग इसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, थे कि भारत में ऐसा भी होगा मित्रों मैं यहाँ पर स्टार्टअप की मैं चर्चा करना चाहूँगा आज देश में एक डायनेमिक स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हुआ है और मैं आपको जानकारी यह भी देना चाहूँगा कि आज 80 स्टार्टअप प्रतिदिन भारत में तैयार हो रहे हैं एट्टी अस्सी स्टार्टअप आप कल्पना कीजिए कि जिस भारत देश में ट्वेंटी में बाश्किल फोर हंड्रेड स्टार्टअप्स थे उनकी संख्या आज बढ़कर 80,000 से अधिक हो गई है यह रजिस्टर्ड स्टार्टअप की मैं बात कर रहा हूं आपको और इनमें से करीब 20,000 तो केवल 2021 में रजिस्टर हुए हैं यूनिकॉर्न का जहां तक सवाल है यूनिकॉर्न का नंबर आज 107 हो गया है और हर महीने दो तीन चार पांच यूनिकॉर्न इस भारत में तैयार हो रहे हैं यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि जिनकी आमदनी पूरी कैपिटल वन बिलियन डॉलर से अधिक की हो आज देश में एक इंटीग्रल डोमेस्टिक मार्केट बनाने की दिशा में भी प्रयास प्रारंभ किए गए हैं और पुराने पढ़, पढ़ चुके करीब डेढ़ हजार कानूनों को हम लोगों ने समाप्त कर दिया है श्रम कानूनों को भी सिंप्लीफाई करके कोडिफाई कर दिया गया है और 2017 में पूरे देश में वन नेशन वन टैक्स की मनता से जीएसटी लागू किया गया जब लागू किया गया था काफ़ी लोगों की शिकायतें थी मगर आज पाँच साल बाद जीएसटी के लागू होने के फायदे अब सारी भारत ही नहीं देख रहा है बल्कि पूरी दुनिया देख रही है और आज पिछले लगभग नौ महीनों से देश में 1.4 लाख करोड़ से अधिक का जीएसटी कलेक्शन यह प्रतिमा हो रहा है और कई बार लोग कहते हैं कि भाजपा वाले टैक्स कलेक्शन को अपना मेजर अचीवमेंट क्यों मानते हैं मित्रों किसी देश में जब टैक्स बायसी नहीं होती है तो उस देश की व्यवस्थाएं कायम नहीं रह सकती हैं बरकरार नहीं रह सकती हैं विकास के साथ साथ गरीब कल्याण की योजनाएं भी टैक्स कलेक्शन पर ही बहुत कुछ निर्भर करती हैं यदि टैक्स का अच्छा कलेक्शन नहीं होता तो किसानों को न तो सम्मान निधि का लाभ मिलता न गरीबों को कोरोना के संकट और उसके बाद भी मुफ्त अनाज न मिलता इलाज न मिलता और तो और देश के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए आवश्यक धन भी मुहैया न होता और आज देश की आर्थिक स्थिति समृद्ध होती है जब जब देश की आर्थिक स्थिति समृद्ध होती है रिच होती है कंट्री तो विदेशों से भी जितना अधिक से अधिक हो सकता है इन्वेस्टमेंट आता है और कोरोना के संकट के बावजूद देश में रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है और एक साल में 83 बिलियन डॉलर से अधिक का एफडीआई भारत में आया है और आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरिक्स रिजर्व वो 500 बिलियन डॉलर से कहीं अधिक का हो गया आप में से कई लोगों को यह याद होगा कि 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना खाली हो गया था कि देश का गोल्ड सोना भी हम लोगों को गिरवी रखने की जरूरत पड़ी थी एक वह दिन था और मित्रों आज का यह दिन है भारत एक नए स्वाभिमान के साथ नई संभावनाओं की दस्तक दे रहा है और तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में भारत को 1991 से इकतीस साल लगे हैं मगर अगले तीन ट्रिलियन डॉलर अगले सात वर्षों में ही जुड़ने जा रहे हैं और यह दशक और यह दशक भारत का दशक बनकर सामने आ रहा है यदि कोई अनहोनी न हुई तो इस पूरे दशक में भारत की विकास दर 6.5 से लेकर 8 परसेंट के बीच रहने का यह अनुमान है ऐसा अर्थशास्त्रियों ने कहा है जबकि चीन की विकास दर चार फीसदी से ऊपर नहीं रहने वाली यह मानता हूं कि चाइना की इकोनॉमी की साइज हमसे बड़ी है इस सच्चाई को मैं स्वीकारता हूं। चीन की विकास, विकास यात्रा में सबसे बड़ा योगदान डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का रहा है और आज भारत मेक इन इंडिया मिशन के साथ की मेन स्ट्रीम में शामिल हो चुका है सारी दुनिया मानती है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जब भारत आजाद हुआ था तो भारत में एक सुई का भी निर्माण नहीं होता था आज 2022 में हम आई विक्रांत जैसे भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर रहे हैं आज के कुछ साल पहले कोई इसकी कल्पना भी नहीं करता था केवल यूएस यूके फ्रांस जर्मनी चाइना और जापान और भारत यह सातवां देश बन गया है जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर सकता है हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का भी काम यह प्रारंभ हो गया है और मैं यह जानकारी आपको देना चाहता हूँ ये आई एन विक्रांत एयरक्राफ्ट जो कैरियर है यह सेवेंटी था थ्री या सेवेंटी फोर परसेंट इंडिजिनस है मित्रों आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में एक बड़ी शुरुआत की है और उन्होंने भारत की जनता की ही नहीं परी पूरी दुनिया का आह्वान किया है कि कम मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड भारत में आओ भारत में बनाओ और सारी दुनिया के लिए बनाओ और इसका बहुत बड़ा असर हुआ है अभी इसी अक्टूबर के महीने में गुजरात के बड़ोदरा में टाटा और एयरबस ने मिलकर सीट 295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के निर्माण की आधारशिला रखी है और यहां पर बनने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विदेशों में भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे और एक समय था जब भारत से लगभग नौ के बराबर डिफेंस एक्सपोर्ट्स होते थे आज हर साल हर साल अभी तक 14,000 करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट हो रहा है और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं अब तक जो बातचीत हुई है कुछ देशों के साथ मैं कह सकता हूं कि इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि 2023 समाप्त होते होते हमारा एक्सपोर्ट 19,000 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा टारगेट है हमारा कि 2024-25 आते आते हमारा एक्सपोर्ट 25,000 करोड़ से अधिक का हो जाए जो कि 2014 के पहले केवल 900 करोड़ का हमारा यह एक्सपोर्ट था इंडेजनाइजेशन की दृश्य एक बहुत बड़ा काम किया है हम लोग थ्री पॉजिटिव इंडेजनाइजेशन लिस्ट जारी की है कि हमको किन किन आइटम्स का इंडेजनाइजेशन करना है और आपको जानकर खुशी होगी हमारी पीएस और दूसरे आइटम थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी एट ऐसे आइटम्स की हम लोगों ने पॉजिटिव इंडेजनाइजेशन लिस्ट जारी की है जिसमें कि पार्ट्स भी शामिल हैं कंपोनेंट्स भी शामिल हैं एल आर यू लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट इसे कहते हैं यानी जिस टेलीफोन से उठाकर आप बात करते हैं रिसीवर वह भी एक एल के रूप में जाना जाता है इस प्रकार के जो कंपोनेंट होते हैं उनको एल कहते हैं और अब तक 242 फॉर्टी का भी हम लोगों ने इंडेजनाइजेशन कर दिया है 410 इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे हमारे डिफेंस से रिलेटेड आइटम्स हैं जिनके भी इंडेजनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने फैसला किया है कुछ 23, कुछ 24, कुछ 25। इसके बाद किसी भी सूरत में हम दुनिया के दूसरे देशों से यह आइटम्स नहीं खरीदेंगे टैंक भी तैयार होगा तो भारत में तैयार होगा कोई गन तैयार होगी तो भारत में तैयार होगी मिसाइल तैयार होगी तो भारत में तैयार होगी यह संकल्प है हमारी गवर्नमेंट का मित्रों यदि मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो आज भारत से होने वाला एक्सपोर्ट 418 बिलियन डॉलर से भी अधिक है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर और मोबाइल एक्सपोर्ट्स का है आज भारत मोबाइल बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पर है और एशिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोरियाई कंपनी सैमसंग ने कोरिया में नहीं बल्कि भारत में भारत, के, भारत में ही आपके पास में ही नोएडा में यह लगाई है अपनी कंपनी आज तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल भी है भारत में आईफोन बना रही है जल्द ही एप्पल आईपैड का भी निर्माण भारत में शुरू करने वाली है यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में होप है पॉलिसी की स्टेबिलिटी है और लीडरशिप की क्वालिटी है और हमारी लीडरशिप डिसाइसिव है इसलिए यह सब सारी चीजें भारत में हो रही हैं और साथियों बाहर से हम कितना मजबूत हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अंदर से कितना मजबूत हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे आत्मनिर्भरता का आह्वान इसी हमारी आंतरिक मजबूती के विजन पर ही पूरी तरह से आधारित है भारत की जीवन शक्ति मित्रों इतनी मजबूत है कि वह विपरीत परिस्थितियों में भी नई राहें खोज लेती है मैं आपको कोविड पेंडेमिक की याद दिलाना चाहता हूं कोविड पेंडेमिक का जब दौर था तो हमारे वहां पी एस ए ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स इनका नंबर केवल 240 था लेकिन इसी कोरोना के दौरान ही हम लोगों ने इतने ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स लगाए उनका नंबर आज 3756 हो गया और जिस तरीके से पैंडेमिक को हमारी गवर्नमेंट ने हैंडल किया है चेक किया है उसकी सराहना केवल मैं नहीं कर रहा हूं दुनिया के कुछ देश ही नहीं कर रहे हैं बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत की सराहना की है हमारे पास पीपी -पी किट्स नहीं थे टेस्टिंग लैब्स नहीं थी हमने न केवल समस्याओं से निजात पाई बल्कि इनका अधिक उत्पादन करके दूसरे देशों को भी हमने इनकी आपूर्ति की आप लोगों को मालूम होगा वैक्सीन भी हमारे यहाँ नहीं बनती थी वैक्सीन हम लोगों ने भारत में बनाई और भारत में बनाने के बाद सौ से अधिक देशों को हम लोगों ने इसमें मदद भी करने का काम किया था आज की तारीख तक दो करोड़ दो लाख दो अरब उन्नीस करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक भारत में दी गई मैं समझता हूं कि हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बड़ी उपलब्धि है और दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ ऐसा शायद ही कोई नागरिक बचा हो जिसका कि तीन बार वैक्सीनेशन न हुआ मित्रों लंबे समय तक इस देश में यह धारणा रही है कि डेवलपमेंट और गवर्नेंस के नाम और काम पर कोई सरकार या पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है हमने विकास और सुशासन डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस को ही अपनी राजनीति का केंद्र बनाया है और यही कारण है कि जहाँ भी हमारी सरकारों को मौका मिलता है हम दोबारा जीत कर आते हैं यहाँ तक कि उन राज्यों में भी जहाँ सरकारें बदलने का रिवाज रहा है वहाँ भी हमने अपनी विकास और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता और प्राय मोदी जी के नेतृत्व की जनता में विश्वसनीयता के बल पर दोबारा हमने सरकारें बनाई हैं एक दो ऐसे अपवाद हो सकते हैं उत्तर प्रदेश हो उत्तराखंड हो असम हो मध्य प्रदेश हो छत्तीसगढ़ हरियाणा जैसे प्रदेशों में हमने दोबारा सरकारें बनाई और कई राज्यों में तो हैट्रिक भी हमने लगाई है मगर जो करिश्मा हमने गुजरात में करके दिखाया है वो भारत के चुनावी इतिहास में कोई और राजनीतिक दल नहीं कर पाया है सातवीं बार हम अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए सत्ताईस वर्षों से गुजरात में भाजपा सत्ता में है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भाजपा को विकास और सुशासन के मॉडल को घर घर पहुंचाया था और उसका परिणाम यह हुआ है कि फिर से गुजरात में पाँच साल के लिए और भाजपा की सत्ता में वापसी हो गई है आज मैं इस एजेंडा आज तक के कार्यक्रम में इस बात को पुरजोर तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत में एंटी डेवलपमेंट और नेगेटिव पॉलिटिक्स के दिन अब लड़ चुके हैं व समाप्त हो चुके हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरे देश ने देखा कि कैसे हमारी पार्टी ने 27 साल शासन करने के बावजूद जो विपक्ष है उसके पास कोई कंस्ट्रक्टिव इशू या एजेंडा ही नहीं था और चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री के प्रति अब शब्दों का प्रयोग करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा कोई मुद्दा नहीं था अब ऐसे आए, लोगों को जनता को जो भी करना चाहिए जनता ने किया लेकिन हमारी विकास और गुड गवर्नेंस यानी सुशासन के प्रति यह प्रतिबद्धता आगे भी कायम रहेगी मित्रों मैं मानता हूँ कि राजनीत और अर्थव्यवस्था के बाद जिस क्षेत्र में व्यापक बदलाव सहज रूप से देखने को मिल रहा है वह हमारी संस्कृति और हमारी महान भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक नई शुरुआत हुई है चाहे वह अयोध्या में भव्य भव्य राम मंदिर का प्रश्न हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हो अथवा महाकाल का प्रश्न हो चाहे सोमनाथ मंदिर हो बद्रीनाथ हो केदारनाथ हो सभी का एक ही उद्देश्य रहा है और वो उद्देश्य है हमारे महान सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना हमारी महान धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्रों को उनके भव्य और दिव्य स्वरूप को प्रस्तुत करना मित्रों भारत की साख पूरे विश्व में पहले से अधिक बड़ी है और यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं दुनिया के दूसरे देशों के भी जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स यदि आप उनसे बात करेंगे तो वह भी सच्चाई को स्वीकार करते हैं कई देशों में जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है मैं उस नाम का यहां पर उल्लेख नहीं करना चाहूंगा उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की प्रतिष्ठा बड़ी है और यह भी कहा है कि योर प्राइम मिनिस्टर इज कमांडिंग हाई रेपुटेशन इन इंटरनेशनल कम्युनिटी दूसरे देशों के प्रीवियर्स से बात बोलते हैं और आज तो भारत की साख ऐसी बन गई है कि वह पहले से भी अधिक मजबूत हुई है और आज जब भारत बोलता है तो सारी दुनिया पहले भारत कुछ बोलता था तो दुनिया बातों को गंभीरतापूर्वक सुनती नहीं थी लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है यह भारत की ऐसियत दुनिया में बनी रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू हुआ तो वहाँ फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकालने में प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की भूमिका निभाई मिस्टर पुतिन से बात करने की जरूरत हुई मिस्टर पुतिन से बात की मिस्टर जेलेंसी से बात करने की ज़रूरत हुई उनसे किया मिस्टर बाइडेन से बात की और अपने बाईस हज़ार से अधिक भारतवासियों को यूक्रेन से बाहर लाने में हमने कामयाबी हासिल की यह कोई छोटी बात नहीं है यह काम भारत इसलिए कर कर सका क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भारत के ऐसे ग्लोबल लीडर के रूप में उम्र होकर आए हैं जिनकी एक क्रेडिबिलिटी है और एक्सेप्टेंस भी पूरी दुनिया में बढ़ी है मित्रों आज भारत ऐसा देश है जिसके प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति या किसी के साथ जटिल से जटिल मुद्दों को सुलझाने में अपनी ए, वो एक हैसियत रखते हैं और मैं कहता हूँ क्यों है यह भारत की डिप्लोमेसी क्रेडिबिलिटी और हमारी लीडरशिप की क्वालिटी के कारण है और आज भारत को पूरा विश्व एक सेल्फ एश्योर्ड और सेल्फ रिलायंट देश के रूप में विकसित होते हुए देख रहा है एक ऐसा राष्ट्र जो सभी को साथ लेकर चलना चाहता है किसी का सहारा लेकर नहीं एक ऐसा राष्ट्र जो अपने इंटरनल मैटर्स में किसी के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है पर उन मुद्दों पर जो हमारे कलेक्टिव वेलबींग well से जुड़े हुए हैं उनमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने से भी पीछे नहीं हटता है ऐसा है हमारा भारत और मित्रों मैं यह कह सकता हूं कि भारत इंटरनेशनल सिस्टम में एजेंडा सेटिंग की भूमिका इस समय निभा रहा है यह है टूडे इंडिया टेबल मित्रों आज भारत की प्रतिष्ठा पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत में न केवल बढ़ी है बल्कि उसे सभी प्रमुख देशों की मान्यता और स्वीकार्यता भी यह मिल रही है भारत अपनी शांति प्रियता और स्वाभिमानी स्वभाव के कारण विश्व में सम्मान का यह पात्र बन चुका है जैसा कि आप लोगों को जानकारी है विश्व कल्याण के भाव से प्रेरित हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इन जी ट्वेंटी आयोजनों के माध्यम से कोरोना के संकट से अभी तक नहीं उबर पाए देशों के साथ आर्थिक और मानवीय विकास के भारतीय संकल्प को साझा करने का भी फैसला किया है कि मैंने पहले कहा अब भारत विश्व मंच पर एजेंडा सेटिंग करने का काम कर रहा है जी ट्वेंटी आयोजनों की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर यह रखी गई है जिसके माध्यम से एक विकास की इंक्लूसिव और डिसाइसिव रोडमैप तय करने की सोच है इसके पीछे मित्रों मैं तो यह मानता हूं कि यदि कोई अनहोनी न हुई तो अगले 25 वर्षों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत एक ऐसी महाशक्ति बनेगा जिसके साथ दुनिया के अधिकांश देश भी अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे और यहाँ पर मैं आपको एक प्रसंग भी इस संबंध में सुनाना चाहता हूं कि हमारा हमारी भूमिका क्या होगी एक बार एक नंबर्स की क्लास चल रही थी जीरो से लेकर नाइन तक के नंबर्स क्लास में बैठे हुए थे अचानक से नंबर नाइन को यह लगा कि मैं तो सबसे बड़ा हो गया हूं कुछ भी कर सकता हूं नंबर नाइन ने पास बैठे नंबर एट को एक तमाचा जड़ दिया नंबर एट को गुस्सा आया तो उसने अपने छोटे से नंबर सेवन को जड़ दिया और नंबर सेवन को जो क्रोध आया तो अपने बगल के नंबर सिक्स को चाटे जड़ दिए सिक्स ने फाइव को जड़े फाइव ने चार को फोर को फोर ने थ्री को और थ्री ने टू को और टू ने वन को वन को जब चाटा मारा नंबर टू ने तो उसके बगल का जो जीरो था वह डर गया अब तो मेरी बारी है इसके बाद तो नंबर वन ने कहा चिंता मत करो तुम मेरे राइट हैंड आ जाओ और जीरो जब नंबर वन के राइट हैंड आ गया तो वह नंबर दस हो गया और वह नंबर दस बन गया तो पूरी क्लास में वह सबसे बड़ा हो गया सबसे ताकतवर हो गया तो हम वही नंबर वन बनना चाहते हैं हम वही नंबर वन बनना चाहते हैं जिसके सामर्थ और शक्ति से संसार भयभीत न हो बल्कि स्वयं को वह अपने को सुरक्षित महसूस करे यही हमारा वसुधैव कुटुम्बकम का भाव है और अंत में मेरी ईश्वर से यही कामना है कि भारत विश्व गुरु बने और संपूर्ण विश्व में वह नंबर वन रहे हम सब इसी स्वप्न को साकार कर, करने के लिए पूर्ण मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद राजनाथ जी आपसे एक मिनट वापस आने की मैं जी अनुरोध करूंगी क्योंकि हम एजेंडा आज तक है दसवां साल हमारा इस वर्ष है आप पहले भी हिस्सा बने हैं बातचीत आपसे हुई है लेकिन आज आपसे मैं ये कहूंगी कि अगले साल के लिए आपका क्या एजेंडा है वो अगर आप हमारे लिए इस पर लिखते हैं। सर वहां पर भी है वैसे उन्होंने कहा कि आप शायद कागज पर लिखना चाहेंगे आइए सर जो अगले साल के लिए आपका एजेंडा हो जी आप पूरा लिख कर बस अपना हस्ताक्षर निर्भर भारत मैंने कहा कि रक्षा मंत्री आए थे और देश की तो पूरी तस्वीर बताई लेकिन रक्षा के बारे में हमारी बात नहीं हुई तो मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगी कि अगर आप क्योंकि देश की सीमाएं ऐसी रहती हैं ना राजनाथ जी की सब लोग भी आश्वस्त होना चाहते हैं आपकी बातों को सुनना चाहते हैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत हमारा अब कमजोर भारत नहीं रहा है और मैं जानता हूं कि इंडो चाइना जो स्टैंड ऑफ था उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश की है लेकिन मित्रों बहुत डिटेल में न जाते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत की सेना ने यह शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है हम लोगों का सचमुच गर्व के साथ मस्तक ऊंचा हो जाता है यानी गलवान और एलसी को लेकर जो भी चाहे राजनीतिक कमेंट आते हो चाहे अभिनेता अभिनेत्रियां कुछ कह देते हो वो सारी चीजें केवल अफवाह हैं नहीं मैं बिल्कुल मानता हूं मैंने सेना का और पराक्रम जिस तरीके का रहा है और जिस तरीके से भारत की सीमाओं की सुरक्षा उन्होंने की है जितनी सराहना की जाए वो कम है बहुत-बहुत धन्यवाद -बहुत राजनाथ जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन का नाम है माय नेम इज आरिफ मोहम्मद खान और जब सेशन का नाम ही ये जाहिर कर रहा हो कि हमारे खास मेहमान कौन है तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी का और आप सभी से गुजारिश है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं हम आ, सेशन की शुरुआत करें उससे पहले राष्ट्रगान होगा जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्तल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधित गंगा शुभनामे जागे तव शुभ आशिष मागे गाहे तव जय गाधा जन गण मङ्गल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय जय, जय 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 जय, जय, जय हे आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं गुजारिश करूंगी मेरी सहयोगी अनिला ओम कश्यप आए और सेशन को आगे बढ़ाएं। okay. <laughs> सबका साथ सबका विकास लेकिन क्या मौजूदा दौर में सबका विश्वास मिल रहा है सर आप मुझे वो दौर बताइए जिसमें सबका विश्वास मिला हो तो मैं जवाब दे सकता हूं